बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 15 करने वाला हूं। एक ही क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, अच्छे तरीके से इसको समझें। थोड़ा सा लेंथी है इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें। पहले आप स्टेटमेंट को सही तरीके से समझ लिया करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं बनेगा। स्टेटमेंट है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ आर ट्राइंगल, यानी ये किसी एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। हमने क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट है डी, एंड मिड पॉइंट ऑफ ई ऑफ ए सी, ए और सी का जो मिड पॉइंट है उसको नेम दिया है ई, इज पैरेलल टू बी सी। यानी ये जो दो पॉइंट्स बनेंगे मिड पॉइंट हैं, जो कि उनसे बनने वाली लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स की स्लोप मालूम कर लेंगे, मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन की स्लोप और बी सी जो लाइन है उसकी स्लोप। अगर वो स्लोप आपस में इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि वो लाइन आपस में पैरेलल है। एक तो ये प्रूव करना है, एंड डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी, और डी ई का जो डिस्टेंस है वो बी सी का हाफ है, यानी जितना बी सी डिस्टेंस है, बी से सी तक का डिस्टेंस है वो उसका हाफ है डी ई, यानी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो मैं इसकी आपको सामने सॉल्यूशन में सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रायंगल है आपके सामने, इसके वर्टेक्स को अगर मैं ए बी और सी कह दूं, तो मैंने क्या क्या मालूम करना है, मैंने शो करवाना है कि जो मिड पॉइंट है डी ए बी का, यानी ये वाला पॉइंट अगर इसको हम डी कह दें, और ई उसने मिड पॉइंट बोला है सी का, ए सी का। ठीक है, तो वो कहता है इसको हमने क्या शो क्या करवाना है कि डी और ई से बनने वाली लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और डी ई का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ बी सी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डी और ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे, और डी चूंकि मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, तो ए और बी के मिड पॉइंट निकाल लो तो वो मुझे पॉइंट डी मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, हाँ जी, ए के, ए और बी का मिड पॉइंट 6 और माइनस का 5 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद 3 प्लस 2 ये भी बनेगा 5/2। तो ये हमें पॉइंट मिल गया है डी। ठीक है, यानी ये ए और बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ई जो कि मिड पॉइंट है ए और सी का। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, और आप क्या करें, ए और सी के मिड पॉइंट निकालें, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 बचेगा, 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये ई आ गया है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ई ऑफ ए सी और 1/2, -1। ठीक है, अब हमें ये दोनों पॉइंट मालूम हो गए हैं, डी और ई, ये आपके सामने। अब हमने क्या शो करवाना है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी, यानी ये जो लाइन है इसको पैरेलल शो करवाना है बी सी लाइन के। ठीक है, तो हम दोनों की स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन डी ई, ठीक है, डी ई की जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, पॉइंट्स आपको मालूम है तो आप मालूम कर लें, बाय 2 माइनस बाय 1 और एक्स 2 माइनस एक्स 1 वाले फार्मूले से, बाय 2 की जगह है 5/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, और एक्स 2 की जगह भी है 5/2 और प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी ये वाई 2 माइनस वाई 1 प्लस का 1 हो जाएगा और एक्स 2 माइनस का एक्स 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हल कर लें तो ये बन जाएगा 2/7/2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बनेगा 4/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, तो ये 7/4 जो है ये स्लोप बन जाएगी लाइन डी ई की। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, जो बी सी लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, बी सी पॉइंट आपको मालूम है, ये देखें, तो बाय 2 माइनस बाय 1 यानी माइनस का 4 और माइनस का 2 सॉरी माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 6, तो ये बन जाएगा -7/-4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी स्लोप भी क्या आ रही है, 7/4। तो स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हेंस
द लाइन DE एंड BC आर पैरेलल, दोनों की जो स्लोप है DE की जो स्लोप आई है और BC की जो स्लोप आई है वो सेम है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इसके बाद हमने क्या करना है, DE का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ BC करना है, दिखा शो करवाना है। तो DE का डिस्टेंस निकालें बाय डिस्टेंस फार्मूला DE, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें आप, एक्स यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर डी ई, दोनों पॉइंट आपको मालूम है, तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव ओवर टू माइनस वन बाई टू का स्केयर और प्लस वाई टू की जगह है फाइव ओवर टू और प्लस के वन होल स्केयर, ये बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फाइव माइनस का वन फोर ओवर टू, फोर आ जाएगा फाइव माइनस का वन फोर, सॉरी इसको अंदर अंदर ही हल करें तो ये बनेगा फाइव माइनस का वन फोर ओवर टू टू और प्लस ये बन जाएगा सेवन ओवर टू का स्केयर, ठीक है, तो ये बन जाएगा टू प्लस फोर्टी नाइन ओवर फोर का स्केयर रूट, तो ये बन जाएगा एट और इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सिक्सटी सेवन ओवर टू होल का स्केयर रूट, ये डी ई डिस्टेंस है, ठीक है। और बी सी का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, बी सी का भी डिस्टेंस देख लेते हैं, बी सी का जो डिस्टेंस है बी सी इसका डिस्टेंस, ठीक है, तो टू माइनस सिक्स माइनस फोर का स्केयर सिक्सटीन और प्लस माइनस का फोर और माइनस का थ्री माइनस के सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन, ठीक है, तो फोर्टी नाइन का इसको आपस में ऐड करें ये कितना बनता है सिक्सटी फाइव बनता है का स्केयर रूट, ठीक है। और इस तरह भी देखें, इसको दोबारा देख लेते हैं, फाइव ओवर टू माइनस वन बाई टू यहाँ पर बचता है फाइव माइनस का वन फोर ओवर टू, टू का स्केयर है तो ये बन जाएगा फोर, ठीक है, फोर की वजह से ये बन जाएगा, ये फोर है और यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब आप हल करेंगे तो ये सिक्सटी फाइव आता है सिक्सटी फाइव, ठीक है। तो अब देखें डी ई जो है वो स्केयर रूट ऑफ फाइव 65 ओवर 2 है और BC जो है वो स्केयर रूट ऑफ 65 है, तो ये DE जो है ये क्या है हाफ ऑफ BC डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, इसमें करना क्या था, हमें एक ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स दिए गए हैं तीनों ABC, ठीक है, हमने A और B का जो मिड पॉइंट है D और A और C का जो मिड पॉइंट है E, इनसे बनने वाली जो लाइन है उसको पैरेलल शो करना है BC के, तो हमने कैसे पैरेलल शो करेंगे, इसकी भी स्लोप निकाल लें इसकी भी स्लोप निकाल लें, अगर आपस में सेम है तो वो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब इनकी स्लोप मालूम करने के लिए इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए, D चूंकि A और B का मिड पॉइंट है तो पहले मैंने DE के D के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, पॉइंट D ये आया है पॉइंट D, उसके बाद E जो है वो A और C का मिड पॉइंट है तो E पॉइंट मालूम कर लिया, अब इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ठीक है मैंने इनकी स्लोप मालूम कर लिया DE की, स्लोप ऑफ लाइन DE, तो ये स्लोप इक्वल आई है सेवन ओवर फोर के, उसके बाद BC की स्लोप निकाली है वो भी सेवन ओवर फोर की इक्वल आई है, दोनों लाइन की स्लोप सेम है तो वो लाइन आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। उसके बाद डिस्टेंस DE को हाफ ऑफ BC के इक्वल प्रूव करना है तो मैंने दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, पहले DE का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला निकाला है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 2 आया है, उसके बाद BC जो लाइन है इसका मैंने डिस्टेंस निकाला है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 65 के इक्वल आया है, तो मतलब जो DE है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल है, ठीक है जी। आज का लेक्चर जहाँ तक था, अल्लाह हाफिज़।